अगर कोई इस वीडियो को देखने आया है तो मैं पहले कह देता हूँ, ये दो व्लॉग पहले आ चुके हैं, इनको चेक कर लो, फिर बाद में आपको ये व्लॉग पता लगेगा मेरा किया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग के अंदर। सो भाई, ये है नवंबर की सर्दी और हरियाणा से, भाई देखो हरियाणा में सर्दी फिलहाल उस गाँव के अंदर हमारे, और हमारा ये गाँव हरियाणा राजस्थान के पास है, हरियाणा में पर राजस्थान के काफ़ी पास है। लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर राजस्थान स्टार्ट है, 5 किलोमीटर दूर पर राजस्थान स्टार्ट है। तो मैं आज उठा था 5:30 वीडियो बनाने के लिए, बट उसके बाद भाई वहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा था, अभी थोड़ी रोशनी से आई है, सूरज अभी कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा। तो अभी हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहले व्लॉग स्टार्ट कर रहे थे वहाँ पर कुछ दिख रहा नहीं था, तो वो मतलब ही नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, बस मेरे कुछ मिनटों में बस आने वाली है, फिर चलते हैं स्कूल एंड मिलता हूँ वहाँ के। और हमारा जो घर है उसकी भी तैयारी चल रही है, बाकी वो दिखाऊंगा आपको मैं। तो अभी मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ, उसके बाद मैं काम भी कर लिया, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने दूसरे घर की ओर। और इधर देखो अभी 6 बज चुके हैं, और दिखाता हूँ लास्ट टाइम के बाद में कितना काम हो गया। और ये काम दिखाने से पहले ना भाई, ये कुछ क्लिप्स हैं, लाइक मैंने लास्ट रिकॉर्ड किया था, जितना भी काम हुआ उससे पहले मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड करी थी, उसको देख लो आप, फिर बाद में पता लगे इसका आगे कितना काम हुआ है। आज मैं फिर से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपने दूसरे घर से, जहाँ पे हम आगे शॉप बनाने वाले हैं, और पीछे भाई जो घर है जब अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और फिलहाल अभी तक आपको दिखाता हूँ इसका आगे काम तो कितना हुआ प्रोसेस में। तो लास्ट मैंने इतना देख लिया था सब कुछ, और वहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी। अब ये है इधर से मिट्टी देखी सारी, उधर से निकाल लिया, दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ भाई इतना यहाँ से लेके वहाँ तक काम हो गया इतना, वेट गिर ना जाऊँ भाई मैं, जैसे आप क्या हरकतें करता हूँ, आज तबीयत ख़राब है ऊपर से मेरी। तो इतना हो चुका है, खालस बन जाएगा, खालस बन गया इधर, पानी चल रहा है यहाँ से पूरा खाला हो जाएगा, ये नाली इधर पास में, नाले से पानी ना जाए खराब हो जाएगा। और इधर ही हमने वो करी थी ना सारे सारा पूजा के अंदर नीम वगैरह के सारे सारे, तो उसके कारण बोलो नाले से पानी दे रहा है तो खराब हो जाए, अच्छा नहीं गया ना। तो भाई अंकल जी लगे पड़े हैं, और फिलहाल अब इसके इतना काम हो चुका है, इससे आगे का काम इनके इनसे पूछते हैं। अंकल जी एक काम कब तक पूरा हो जाएगा अपना वैसे? मकान बनाने में चक्कर में कितना लग जाए, दुकान तो बनानी है ये सारा चक्कर चक्कर में कितना लग जाए? चक्कर में तो वो टाइम और लग गया, महीनों सारा कंप्लीट है, महीना डेढ़ महीना, महीना डेढ़ महीना पूरा चक्कर में लग जाए, सारे सारे नीचे से मिट्टी उठाने वगैरह में इसमें। ये कुछ इतना बोलो कि इतने यहाँ यहाँ से चढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली मेरे को इतना इसको पता नहीं है, बिकॉज ये मेरे को बिना बताए काम करते हैं सारी सारी ऐसे, बाद में बताते हैं लास्ट में जाके, इसके कारण मेरे को डालनी पड़ती है कि मैं ज़्यादा सुनता भी नहीं उस टाइम, नहीं तो बताते ही बहुत धीरे धीरे से हैं। तो ये लोग ना इतना शायद कि पूरा ऐसे से बोल रहे हैं, तो ऐसे पटने में इसके अंदर लग जाएगा पूरा डेढ़ महीना, महीना डेढ़ महीना लग जाएगा, और ज़्यादा वर्कर ज़्यादा लग गए तो शायद तक जल्दी हो जाए, बट इतना स्पेस नहीं है, इतना यहाँ पर स्पेस नहीं है कि वर्कर ज़्यादा लगाए अपने। तो फिलहाल इतना भाई यहाँ का इतना ही था, तो ओके एक सेकेंड होगी होगी जस्ट जो भाई। तो देखो भाई अभी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, तो भाई देखो ये यहाँ से इतना सारा सामान है, इससे आगे ना देखो यहाँ एक आगे एक रास्ता है पूरा पूरा, ये रास्ता यहाँ से देखो इन दो गेट से आगे निकलते ही ये आगे पूरे एक रास्ता है ना, इसको आगे तक खोद दिया लास्ट, उधर से खोदा था उधर साइड से कुछ, देखो वो अपने वॉश मशीन है उधर से डिग गया नीचे आ रही, और उसका साथ खोद दिया, अब इधर से खोद दिया। और आप ये देखो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट मेरे मॉर्निंग के अंदर भी कुछ रिकॉर्डिंग हुई थी, जब मैं स्कूल गया हुआ था ना, तब पीछे से भी ऐसा काम हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी आप वो देख लो, क्योंकि इसमें ढंग से इतना समझ नहीं आया, क्योंकि वो काफ़ी अंधेरा आ चुका है। और चलो भाई कि देख के आओ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं स्कूल गया हुआ था उसके पीछे से क्या काम हुआ है। तो जब मैं स्कूल गया था उसके पीछे से भाई जेसीपी आई थी, और जेसीपी ने मोस्टली भाई सारी सारी मिट्टी वगैरह हटाई है, क्योंकि देखो जब नई शॉप बना रहे हैं तो उसके नीम वगैरह हम थोड़ा शॉप को ऊपर उठाने वाले हैं, ऊपर उठाएंगे शॉप को, मतलब तो जो सरफेस लेवल अपना उसको ऊपर बनाएंगे, तो उसके लिए भाई उसके नीम वगैरह सब कुछ सेट करने वगैरह के लिए
तो यहाँ पे पूरी बड़ी हटाई है। और एक्चुअली ना जो हमारा पिछले घर बना हुआ था यहाँ पे, तो उसके लिए टॉयलेट बाथरूम वगैरह के लिए ना नीचे एक टाइप का अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम बना रखा था, तो उसको भी भरने वगैरह के लिए और ताकि फ्यूचर में आगे जाकर कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए साथ साथ सेट कर रहे थे। एंड इसके बाद में एंड जेसीबी को ये काम करने में अप्रोक्स भाई 20 मिनट लग गए थे। एंड सोच सकते कि इतना ज़्यादा काम था ये। और भाई इसके अंदर बीच में पाइप्स गई थी, पाइप्स तोड़ दी थी बिकॉज वो जहाँ बस बीच में आ रही थी उसका कोई काम नहीं था। तो हाँ, अगर आपको और डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगले व्लॉग का इंतजार करना। तो भाई इस व्लॉग के लिए इतना ही था, फिर मिलूंगा आपको एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरे भाई नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी मेरे हाउस जो शो बना रहे हम इसके अपडेट चाहिए, तो भाई लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वरना एक डेट छोड़ देना।